All right, guys, let's move to the chapter 4, agriculture. So these are some quick facts. Agriculture in India comes under the Minister of Agriculture and Farmers Welfare. Who is right now Cabinet Minister of Agriculture in India is Shri Narendra Singh Tomar. So this is our country area, 3.28 million square kilometer. Land area, we have 2.97 million square kilometer. Agriculture area, we have around 1.79 square kilometer. Okay. Forest area, we have around 7 lakh square kilometer. Okay. So Vedic literature provides some of the earliest written record of agriculture in India. हमारा वैदिक लिटरेचर ये बताता है कि भारत जो है वो खेती का जन्मदाता रहा है या भारत में खेती बहुत पहले से होती है. ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन इस बात के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर कॉटन राइस वगैरह लोग उगाना जानते थे, इनकी खेती करना जानते थे. फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, इन सब के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं. So let's talk about the chapter 4, okay? Agriculture in India. So first we are asked about the what is the importance of agriculture in India? भारत में खेती की importance क्या है? First importance we have, 2/3 of its population is engaged in agriculture activity. हमारे देश की 2/3 population इसमें busy है, इसमें engaged है. ये बहुत important हो जाता है. Second, GDP share is 18%. GDP भारत की जो कुल income है उसमें 18% खेती का है. It provide employment to more than 52% of the population. 52% लोगों का employment यहाँ से आता है. Provides raw material for various industries. बहुत सारी industries का raw material ये provide करती है. Biscuit, bread, sugar, cotton. These all are industry depend upon the agriculture for their raw material. Earn foreign exchange. भारत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, agriculture produce है, जिनको विदेशों में बेचता है. We earn huge amount from them. जैसे tea है. चाय भारत की जो बाहर जाती है उसकी जो इनकम है वो डॉलर में होती है हमें. और डॉलर में इनकम, यू नो दैट अराउंड 75 रुपीज, 76 रुपीज का डॉलर हमारा अभी चल रहा है. तो वो इनकम हमारी यहाँ पे इसमें होती है. तो दैट इज अ गुड साइन ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, सो लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग के प्रकार क्या क्या है? फर्स्ट वी हैव प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वी हैव ऑन areas where the tribal people live, okay, where we have the forested area, there you will see the primitive subsistence farming. What happened in this? Practiced on the small patches of land. Chote-chote jameen ke hisso mein is kheti ko kiya jata hai. Primitive tools, family members are you work here as a labor. Primitive tool hote hain, hand operated tool hote hain sare, koi nahi machine wagara isme use nahi hoti. Family ke log yahan pe kaam karte hain. Depend on monsoon and natural fertility of soil. मॉनसून पे डिपेंड रहती है और नेचुरल फर्टिलिटी पे ये डिपेंड रहती है. यहाँ पे कोई मैन्योर फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं किया जाता. ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न. स्लैश एंड बर्न भी इसको कहा जाता है. एज यू नो दैट चैप्टर 4 क्लास 9 हिस्ट्री, उसमें आपने सुना होगा स्लैश एंड बर्न. तो वो यहाँ पर होती है, वो खेती की जाती है यहाँ पे. यानी पेड़ों को काट कर जलाया जाता है. आफ्टर दैट द हार्वेस्टिंग इज डन. प्रोड्यूस जस्ट इनफ क्रॉप्स टू सस्टेन द फैमिली. फसल सिर्फ इतनी हो पाती है जो परिवार का पेट भर सके. सो टोटली फैमिली ओरिएंटेड एग्रीकल्चर होता है ये. आफ्टर कपल ऑफ सीजन द पैचेस लेफ्ट फैलो. और कुछ सालों बाद जो पैच है उसको छोड़ दिया जाता है. सेकंड वी हैव इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ये फार्मिंग हम देखते हैं यूपी के, बिहार के उन इलाकों में जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जमीन कम है. ओके, तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो हमारे हैं वहां पे ये की जाती है. इट इन्वॉल्व हाई डिग्रीज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स. तो आपको पता है पॉपुलेशन ज्यादा है, जमीन कम है, तो जमीन पर क्या होगा, बोझ हो जाएगा ज्यादा. तो जनसंख्या अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए खेती पर अंधाधुंध बायोकेमिकल का यूज करती है. इरीगेशन ज्यादा किया जाता है ताकि प्रोडक्शन अच्छा लिया जा सके और जो जनसंख्या है उसका पेट भरा जा सके. तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग there is a huge pressure of population on land. तो जमीन काफी बड़ा बोझ उठाती है यहाँ पर. Third we have commercial farming, as its name suggesting the commercial purpose. तो ये commercial यानी पूरी तरह से बाजार के लिए इस खेती को किया जाता है, जिसे कहते हैं cash crops वगैरह. तो वो यहाँ पे उगाए जाते हैं. तो जैसे जूट, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, तो ये वो है जो commercial farming के अंदर आती हैं. This type of farming is done with the sole purpose of selling the farm produce.
सिर्फ बेचना ही इसका एकमात्र उद्देश्य होता है. वेरियस मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निकल असिस्टेंस यहाँ पे ली जाती है, जैसे HYB सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, एंड हाई अमाउंट ऑफ यू नो कैपिटल एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर रिक्वायर्ड है. पैसा ज्यादा चाहिए और वर्कर्स यहाँ पे काफी ज्यादा लगते हैं. पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड महाराष्ट्र, दे आर द सम पार्ट वेयर द कमर्शियल फार्मिंग इज डन ऑन लार्ज स्केल. तो ये वो स्टेट हैं जो रिच हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर और यहाँ पे काफी अच्छी खेती की जाती है कमर्शियल पर्पज के लिए. तो पंजाब में आप देख सकते हैं जिसे अनाज का कटोरा भी कहते हैं, तो राइस यहाँ से काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है जो पूरे देश में या विदेशों तक जाता है. तो दीज आर दैट एग्जाम्पल ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया वी हैव. क्रॉपिंग पैटर्न, व्हाट आर द सीजन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. भारत में खेती के तीन सीजन होते हैं. रबी, रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स. दे आर सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून. वीट, बाले, पी ग्राम, मस्टर्ड आर द एग्जाम्पल. सर्दियों की फसल कहा जाता है रबी क्रॉप्स को, जिसकी बुआई की जाती है अक्टूबर दिसंबर की शुरुआत में और इसकी कटाई होती है अप्रैल से जून तक. तो अभी आप कौन सी फसल देखोगे कटते हुए? रबी क्रॉप्स. तो गेहूं, जो मटर, चना, सरसों, ये इसके एग्जांपल हैं. खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज समर क्रॉप्स. दे आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर अक्टूबर. पैरी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, दे आर द एग्जाम्पल. खरीफ क्रॉप्स, गर्मियों की क्रॉप जो होती है उन्हें कहा जाता है. ये मानसून की शुरुआत में ही बोई जाती है और इनकी कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर तक. चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, मूंगफली, ये इसके एग्जाम्पल हैं. जायद, वो सीजन जो रबी और खरीफ के बीच का सीजन होता है, इसमें ज्यादातर सब्जियां उगाई जाती हैं. सो वाटरमेलन, मस्कमेलन आर द एग्जाम्पल. एंड शुगर केन इज प्लांटेड इन दिस सीजन. गन्ने की बुआई भी इसी सीजन में की जाती है, लेकिन गन्ना जो है वो पूरा साल लेता है. ओके, सो दिस इज द लेक्चर वन. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द लेक्चर टू ऑफ चैप्टर 4 एग्रीकल्चर. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.